हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन से एक पर। आज हम बात करेंगे कि प्रोटॉन का जो 10 टन का ऊपर का जो किरण होती है, जो कि 10 टन का, 12 टन का, 15 टन का, जो 10 टन का ऊपर का जो किरण होती है प्रोटॉन का, उसका जो है स्विंग मोटर का जो ब्रेक है वो कैसे रिलीज करे, उसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि 5 टन से लेके 6 टन का तो 8 टन का, मतलब 10 टन का नीचे वाला जो क्रेन होती है प्रोटॉन का, उसका स्विंग ब्रेक, तो 5 टन से लेके 10 टन का बीच का जो क्रेन था जो कि प्रोटॉन का, उसका स्विंग ब्रेक कैसे रिलीज करने का, उसी के बारे में एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था जो आप लोगों ने देखे होंगे। तो आज मैं बात करूँगा जो कि 10 टन का ऊपर का जो क्रेन होती है प्रोटॉन का, उसका स्विंग ब्रेक रिलीज करने का सिस्टम क्या है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या होती है, जैसे कि 5 टन का लेके 10 टन का नीचे का जो किरण होते हैं, 5 से लेके 10 का बीच में जो किरण होती है प्रोटॉन का, उसका जो स्विंग ब्रेक जो होती है रिलीज करने का जो सिस्टम होती है वो कुछ अलग होती है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसके ऊपर एक हैंडल होती है और नीचे जो है एक बटन होता है। तो आपको क्या करना होता है, हैंडल को ऊपर की ओर प्रेस करना होता है और बटन को नीचे की, मतलब अंदर की ओर प्रेस करना होती है, तो जो है स्विंग का जो ब्रेक है वो रिलीज हो जाते हैं। एक छोटा सा प्लेट का उसका मैकेनिज्म होती है जो ब्रेक को रिलीज करने के लिए। तो 10 टन का ऊपर का जो क्रेन होती है उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होते हैं। तो 5 टन से लेके 10 टन के बीच का जो क्रेन होती है उसके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया था वीडियो में। आज हम बताएंगे जो कि 10 टन का ऊपर का जो क्रेन है, 10 टन वाला या तो फिर 12 टन वाला, 15 टन वाला, 10 टन का ऊपर का जो भी क्रेन है, मतलब प्रोटॉन का, चाहे वो लाफिंग क्रेन हो या तो फिर टावर क्रेन हो, कोई भी क्रेन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 टन का ऊपर का जो क्रेन आते हैं सब में जो है ब्रेक का सिस्टम जो है स्विंग का सेम ही आते हैं। तो इसका जो है कुछ अलग तरीके से उसका स्विंग ब्रेक जो है रिलीज होती है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसका क्या होती है, सिर्फ सिंगल एक सामने की ओर आपको एक हैंडल देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो सामने की ओर एक सिंगल हैंडल होता है, उसका पीछे जो है एक छोटा सा लिफिल होती है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, 5 टन का नीचे का जो क्रेन है उसमें दोनों साथ में होते हैं और जो 10 टन के ऊपर का जो क्रेन है जो स्विंग मोटर का, उसका अलग होते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो कि सामने की ओर एक लंबा सा हैंडल है और जस्ट आप देखोगे उसके पीछे, तो उसके पीछे एक छोटा सा लिफिल होगा। तो इसका ब्रेक को रिलीज कैसे करने का, आपको जैसे कि आप देख पा रहे हो आपको क्या करना होगा, हैंडल को जो है ऊपर की ओर आपको प्रेस करना होगा, यानी ऊपर की ओर आपको खींचना होगा, मतलब ताकत से, और ऊपर की ओर आपको ब्रेक को, मतलब ब्रेक का जो हैंडल है उसको खींचना होगा। और खींचने के बाद पीछे जो आप एक छोटा सा लिफिल जो आप देख पा रहे हो उसको आपको ऊपर की ओर उठाना होगा। पीछे का जो लिफिल है वो बहुत ही छोटा होते हैं, जो कि मालूम भी नहीं चलता कि पीछे कुछ दिया हुआ है, ऐसे पता भी नहीं चलता है। आपको उंगली की मदद से उसको ऊपर कर उठाना होगा और ब्रेक को जो है, जो ब्रेक का जो हैंडल है उसको भी आपको ऊपर कर खींचना होगा। तो जैसे ऊपर की ओर इसको हैंडल को उठाओगे और लिफिल को जो आप थोड़ा सा ऊपर उठा दोगे तो वह ब्रेक जो है वो रिलीज हो जाएगा। फिर अगर आप कभी भी, अगर आप ब्रेक को रिलीज करना चाहते हो, फ्री करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, फिर से जो है आपको हैंडल को ऊपर की ओर खींचना होगा और आपका जो लिफिल है उसको नीचे की ओर दबाना होगा। जैसे कि आप लिफिल को नीचे की ओर दबाओगे और हैंडल को ऊपर की ओर उठाओगे तो ब्रेक जो है आपका दोबारा ब्रेक आपका लग जाएगा। तो यही था जो छोटा सा जानकारी, जो कि प्रोटॉन का जो कि 10 टन का ऊपर का जो क्रेन होते हैं उसके बारे में जानकारी जो था, स्विंग ब्रेक का, मतलब ब्रेक कैसे रिलीज करने का, उसी के बारे में मैंने बात किया। तो 5 टन से लेकर 10 टन का नीचे वाला जो क्रेन है उसका कुछ अलग प्रोसेस है और 10 टन से लेकर ऊपर का जो क्रेन है उसका प्रोसेस अलग है। तो दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। बहुत सारा ऑपरेटर कहते हैं क्या कि इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे उसका ब्रेक को रिलीज करे, दूसरा क्रेन में जो मैं काम किया था उसका हैंडल था, नीचे एक बटन था, इसका कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, ऐसा ही होती है। दोनों का जो है ब्रेक रिलीज करने का जो सिस्टम है वो अलग अलग है। तो आप जान चुके होंगे कि दोनों का ब्रेक रिलीज करने का सिस्टम जो है अलग अलग है। पहले ऑलरेडी एक वीडियो मैंने डाल दिया था और फिर एक 20 वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जान चुके होंगे कि ब्रेक रिलीज कैसे करने का प्रोटॉन का टावर क्रेन में।